और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का जोश हाई है और आने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में दोनों दल साथ लड़ेंगे? अगर हां तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीट आएगी और कितनी सीटों पर सपा चुनाव लड़ने वाली है? उपचुनाव की बारी, दो लड़कों की क्या तैयारी? क्या उपचुनाव में साथ लड़ेगी एसपी कांग्रेस? दस सीट गठबंधन रिपीट, तो किसे कितनी सीट? यूपी की पॉलिटिक्स में कभी सन्नाटा नहीं रहता, यहाँ हर दिन हर पल कुछ ना कुछ दाव पेच चले जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का शोर शांत ही हुआ था कि विधानसभा उपचुनाव के लिए दलों ने कमर कस ली है। दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जमीन तैयार हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश और राहुल की दोस्ती सूबे में भी जारी रहेगी, क्योंकि यूपी के 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 10 विधायक जीतकर सांसद बने हैं, जिसके चलते इन सभी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों में से 5 पहले ही समाजवादी पार्टी के पास है और 5 भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस भी इन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने करहल को छोड़ सभी 9 विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 4 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, यानी 10 खाली हुई सीटों में कांग्रेस शून्य थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर एसपी कांग्रेस साथ आए, अखिलेश कांग्रेस को कितनी सीट देंगे? उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में इंडिया अलायंस के साथ मिलके लड़ेगी। कल हमारी एक बैठक हो रही है प्रदेश में, जिसमें हमारे प्रदेश के नेताओं के जरिए एक चर्चा होगी कि उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति लेनी है। फिर हाई कमान हमारा डिसीजन करेगा किन सीटों पर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर हम लोगों को चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का दावा 2024 छोड़िए 2027 के चुनाव तक का है, लेकिन बहुत कम चांस नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस उपचुनाव में दावेदारी ना ठोके। सवाल ये है कि 2022 के प्रदर्शन को अगर आधार बनाया गया तो गठबंधन में उसके खाते में कितनी सीटें जाएंगे, क्योंकि 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, 1 सीट करहल पर कांग्रेस लड़ी ही नहीं थी। सवाल ये है कि 2022 में इतने खराब प्रदर्शन वाली इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी क्या होगी? दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलित और गैर यादव ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर सपा की ओर खिसकते दिखे, उससे अखिलेश यादव के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने उपचुनाव की कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने में अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि पार्टी को यूपी में सफल गठबंधन को आगे ले जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटें ऑफर कर सकती है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल हो सकती है। फिलहाल उपचुनाव की जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अयोध्या जैसी सीटों पर हार के बाद हर दांव सोच समझ कर चल रही है। अब उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि दो लड़कों की जोड़ी का जलवा कितना कायम है और कितना कम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की हार का मंथन करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मिल्केपुर, बीकापुर और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान संगठन के नेताओं का कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हार की समीक्षा की बैठक की जा रही है, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है, आगे उसी कमी को पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे, आगे इस योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे। समीक्षा रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को जल्द देंगे। आज फैजाबाद लोकसभा की रुदौली और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक होनी है और जो जो सुझाव कार्यकर्ताओं ने दिए हैं वो अपनी रिपोर्ट में हम सम्मिलित करेंगे। ये एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में तमाम एससी अधिकारियों को जोड़ा गया था और इस 2024 में पूर्व डीजीपी से लेकर प्रेम प्रकाश तक को जोड़ा गया, तो क्या ऐसा रहा कि जो वोट परसेंटेज है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया? हम लोग किस तरह से चूक मानते हैं? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और अगर वोट की बात करोगे तो वोट भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन से ज़्यादा है, लेकिन क्या क्या कमी रही है, क्या क्या चूक हुई है और हम लोग अपनी बात जनता के बीच में नहीं पहुंचा सके, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा रिपोर्ट हम पार्टी को देंगे। और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी उनके अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आज अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के करोड़ों के आलिशान मकान पर कुर्की होने वाली है। पूरा मुफ्ती के अकबरपुर सलाहपुर में आज जैनब के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज दोपहर 12 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा। जिस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना है उसकी कीमत करीब करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 24 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट केस में पुलिस ने जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है। भगोड़ा घोषित हो चुकी जैनब फातिमा पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। फरार होने के पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहा करती थी। तो अतीक के भाई अशरफ की पत्नी है जैनब, 5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिस पर आज ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा। बुलडोजर 12 बजे के करीब चलेगा। जैनब फातिमा के मकान पर आज बुलडोजर की तैयारी चलाने की तैयारी भी कर ली गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा। और अब खबर हापुड़ से लेते हैं, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते वन विभाग के डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम ने हापुड़ नगर कोतवाली में डिप्टी रेंजर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल 16 जून की रात को तूफान आने के कारण 23 पेड़ गिर गए थे। इसके बाद इस मामले की शिकायत की गई। इसके बाद डिप्टी रेंजर मुआयना करने पहुंचे। प्रकरण को खत्म करने के लिए डिप्टी रेंजर शशि शेखर शर्मा ने शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस टीम मेरठ को सूचना मिली थी कि कुछ पेड़ जो आंधी में गिर गए थे, सागौन के पेड़ थे, और उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, जबकि वो नेचुरली गिरे हुए पेड़ थे, जिस पर डिप्टी रेंजर श्री शशि शेखर शर्मा थे, उत्कोच प्राप्त करने की बात कर रहे थे। शिकायत प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की गई, उन्हें रंगे हाथों 30,000 रुपए के साथ पकड़ा गया है और विधिक कार्रवाई में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बीजेपी के पूर्व विधायक कांशीराम देवाकर को कोर्ट आज सजा सुनाने वाली है। पूर्व बीजेपी विधायक कांशीराम देवाकर समेत 6 लोग दोषी करार दिए गए हैं, जबकि 21 को दोषमुक्त किया गया है। राणा शुगर मिल शाहबाद से मिल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है। 16 जनवरी 2012 का यह पूरा मामला है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में मामला चल रहा था और इसके बाद आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा, यानी दोषी तो करार दे दिया गया लेकिन सजा कितनी होगी इस पर आज फैसला आने वाला है। इसमें जो दोष सिद्धि की गई है वो 323, 395, 427, 504, 506 इसमें दोषी करार दिए गए हैं, जो 6 अभियुक्त हैं सभी को। बाकी जो संजू यादव हैं इनको 412 में भी इन सभी धाराओं के साथ में दोषी करार दिया गया है। लोग
और बाराबंकी में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। नियमों का पालन न करने वाले आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों की भी गाड़ी को रोका गया। पटेल चौराहे पर चेकिंग के दौरान एसडीएम की गाड़ी को पुलिस ने रोक गया। एसडीएम की प्राइवेट गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी, जिसे पुलिस ने हटवा दिया। गाइडलाइन के अनुसार पुलिस एम्बुलेंस और कुछ विशेष वरिष्ठ अधिकारियों को ही इसको लगाने का अधिकार है। अभियान में 5 गाड़ियों से अवैध तरीके से हटाया गया हुटर को भी लगाए गए हुटर को भी हटवाया गया। 4 गाड़ियों से प्रेशर हॉर्न, 7 गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटाई गई। और तपती गर्मी के बीच आखिरकार मौसम बदलने लगा है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चली, जल्द ही बारिश होने का अनुमान भी यहां पर लगाया जा रहा है। तो कल रात तेज हवाएं चली हैं, कहीं कहीं पर हल्की बरसात भी हुई, बारिश हल्की फुल्की हुई है। और अब कहा जा रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि मौसम थोड़ा बदले, बारिश होने की संभावना कई जगह पर जताई जा रही है। हालांकि इस तपन भरी गर्मी से थोड़ी राहत कल रात जरूर मिली है, आज भी सुबह सुबह मौसम थोड़ा सुहाना रहा। और जहां उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है, तो झांसी में बारिश ने कई घरों को तहस नहस कर दिया। डिकौली गांव में तेज बारिश के चलते 2 घर गिर गए। दोनों घरों के मलबे में दबकर 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। 3 ग्रामीणों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। और उधर प्रयागराज में हीट वेव की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीते 24 घंटे में कुल 35 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। खास बात यह रही कि ज्यादातर शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहां भी हाल ज्यादा ठीक नहीं है। जिला अस्पताल में मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सीएमएस के मुताबिक 9 लोगों की मौत अब तक यहां पर हुई है। तो 35 का पोस्टमार्टम किया गया है। अगर प्रयागराज की बात की जाए, सब हीट स्ट्रोक यानी कार्डियक अरेस्ट की बात सामने आ रही है। 3 दिन में 30 मौतें हुई हैं। अस्पताल में काफी ज्यादा लावारिश लाशें इस वक्त पड़ी हुई है, क्योंकि बहुतों की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। और बढ़ती गर्मी से खड़े वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। फिरोजाबाद में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र के बस स्टैंड की बताई जा रही है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह से इस आग ने इस गाड़ी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। खड़ी कार में अचानक आग लग गई। ये मामला सिरसागंज क्षेत्र के बस स्टैंड का बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में आज सड़क हादसों की कई खबर सामने आई है। फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग को वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की है, जबकि महोबा में एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। यह घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सड़क हादसों की, किस तरह से ये हादसे हुए, इसमें कुछ की जान भी चली गई है। 2 जगह की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।